से इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। मगर क्या बताएं मान्यवर, जो लोग धर्म के समूल नाश का संकल्प लेते हो उनके लिए जो संपत्ति है वो भी विपत्ति बन जाती है और वो सुख कारक बनने के रास्ते पर नहीं चल पाती। परंतु मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जैसी युक्ति बनाई है उस कारण से जो आर्थिक विपत्ति थी वो अब संपत्ति की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही। एक दौर था मान्यवर जब भारत की अर्थव्यवस्था का मजाक उड़ाया जाता, क्या कहा जाता था, ये 2% से ऊपर कभी ग्रो ही नहीं कर सकते। इसको कहा जाता दिस इज अ हिंदू ग्रोथ रेट, ये कह के हमारा मजाक उड़ाया जाता था कि ये कभी 2% से ऊपर ग्रो नहीं कर सकते मान्यवर। मगर जब से हम लोग आए हैं, यानी जो लोग कहते हैं कि उन्हें हिंदू ग्रोथ रेट ज्यादा अच्छी लगती थी, अब ये 7.8% की हिंदुत्व की ग्रोथ रेट है, क्योंकि अब वो लोग आए हैं जो हिंदुत्व में विश्वास करते हैं। और मैं ये भी एक याद दिलाना चाहता हूं, इसे कोई संयोग माने या दैव योग माने, मान्यवर जब भारत स्वतंत्र हुआ, इस बार की दीपावली के लिए मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, एक नया परिवर्तन भारत का जानते कैसे आया, ये सब कुछ जनता के सहयोग समर्थन और मोदी जी की युक्ति के साथ तो हो ही रहा है, एक नया स्वरूप भी भारत को उभर रहा। वो क्या है, जब मान्यवर देश आजाद हुआ तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था पे ताला लगा हुआ, हमारे तुरंत विपक्षी लोग कहते साहब कुछ था नहीं, बहुत कुछ हम कर नहीं सकते थे, और जब ताला खुला उस समय श्री रामलला विराजमान भी ताले में। जैसे ही राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ अर्थव्यवस्था के अंदर भी नया परिवर्तन शुरू हुआ, 90 से 92 का ही दौर है अर्थव्यवस्था में भी बदलाव का, भारत की अर्थव्यवस्था के खुलने का, भारत की राजनीति की व्यवस्था के भी बदलने का। और यही वो दौर है जिस समय विवादित ढांचा भी गिरा और नेहरूवियन मॉडल भी समाप्त हुआ। यही वो दौर था जब खुदाई हुई और 70 खंभे निकले थे, जहां से साबित हो गया था कि श्री राम लला विराजमान के पास ही वो मंदिर। अब आप आइए साहब, उसके बाद 2019 में जब जजमेंट आया तो तब 1 बिलियन था, जब खंभे निकले तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100 बिलियन था, अब मोदी जी के नेतृत्व में 500 बिलियन पहुंच गया। और इतना ही नहीं मान्यवर, अब जब राम मंदिर बनने जा रहा है तो हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, 2रे बड़े मोबाइल के मैन्युफैक्चरर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले हम 1 के देश हैं, और चांद के अछूते कोने को छूने वाले देश भी बन गए। और अब अगर आप देखें तो हम G20 में सबसे ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कह के मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, कुछ ऐसे संयोग होते हैं जिनको देखने के लिए एक अलग दृष्टि चाहिए, जिसके लिए रामचरितमानस में एक चौपाई है कि सुमति कुमति सबके उर रहें, यानी अच्छी मति और बुरी मति सबके मन में रहती है, नाथ पुराण निगम यह कहीं, ये पुराण और उपनिषद ये बताते हैं। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। और देखिए ये भी एक संयोग है, जब मैंने राम मंदिर की बात कही, संयोग से इस समय हमारी वित्त मंत्री जी के नाम में भी सीता भी है, रमण भी है और निर्मल भी है, यानी नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम मोदी जी की तरफ से आपको एक लाइन कहना चाहेंगे अर्थव्यवस्था पे, जो आप लोग कहते हैं कि हमें इल्जाम मत दीजिए बहुत अफसोस होता, हमें इल्जाम मत दीजिए बहुत अफसोस होता है, बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने चलाए, कि स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है, हम अर्थव्यवस्था के जो स्वरूप में जा रहे हैं, स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से।